छोटा सुनिए, अब जो ये लोग लगा चुके हैं उनको छोड़ के बकिया सब, अरे मट्टी भरी है पूरा एकदम। सब लोग देख लीजिए एक बार, ऊपर उठा लीजिए। हाँ जी नमस्कार, सामने से लोग इधर नहीं आए। भैया 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 पीछे में रहिए। लो भाई चलो हटाइए। आज जो कार्यक्रम एक वृहद पौधारोपण कार्यक्रम हुआ यहाँ पे वन महोत्सव के अंतर्गत, इस कार्यक्रम का मैं संयोजक भी हूँ। यहाँ पे आज हमारे शहर के ओजस्वी तेजस्वी विधायक श्री सौरभ जी श्रीवास्तव हमारे आज के मुख्य अतिथि थे। उनके सानिध्य में हम लोगों ने 100 से ऊपर पौधे मुख्य भवन में लगाए हैं। और पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है आज की जो सबसे ज्वलंत विषय है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसको सोचते हुए इसी विचारधारा के हिसाब से हम लोगों ने एक बेहद रूप से पर्यावरण का यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। और कहाँ कहाँ आप लोग वृक्षारोपण करने वाले हैं? और ये वृक्षारोपण हमारा लगातार एक हफ्ते से चल रहा है। अभी दो दिन पहले हम लोगों ने निवेदा स्कूल महमूरगंज तुलसीपुर में है पढ़ता है वहाँ किया था। इसके बाद हम लोगों ने पाणी ग्रहण विद्यालय वो भी तुलसीपुर में महमूरगंज में वहाँ किया था, आज यहाँ किया है। जैसे जैसे हम लोग को समय मिलता है लोग हमेशा ही करते रहते हैं और इस पर्यटन चलता रहता है। और हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य हैं जो वन विभाग के DFO भी रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, मदनलाल चौरसिया जी, उनसे हम लोग को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम बराबर करते रहते हैं और आज भी हमारे साथ में है वो। उनके बिना गाइडेंस के हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनके गाइडेंस हम लोग बड़ी सुविधा होती है कार्यक्रम करने के लिए। किस तरह का आयोजन हुआ, कौन आज यहाँ पौधारोपण हुआ उससे मैं आई थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, 100 से ज़्यादा पौधे यहाँ लगाए गए। तीन दिन से तो लगातार लगा रहे हैं, पानी विद्यालय में लगाए, नैनीताल स्कूल में लगाए, आ गया हूँ आगे जहाँ होगी वहाँ लगाए। तीन दिनों में लगभग कितना वृक्ष लगाएंगे आप? करीब 300-400 वृक्ष लगे। वृक्षारोपण का उपयुक्त समय तो वर्षा काल ही है और 1 जुलाई से वन महोत्सव के अवसर पर हम लोग जो है 3-2 विद्यालयों में और तीसरा यहाँ महोत्सव भवन में वृक्षारोपण किए हैं। 200 पौधे अब तक लग चुके हैं और इसमें जो है वृक्ष जो है वायु प्रदूषक कारकों को जो है अवशोषित करने में जो अहम भूमिका निभाते हैं। और वृक्ष ही हैं जो कि वर्षा को आकर्षित करते हैं, हमारा तापमान व जलवायु को नियंत्रित करते हैं, भूक्षरण को रोकते हैं और वृक्ष से नैसर्गिक आनंद और से जो है पृथ्वी को जीवंत बनाए हुए हैं। तो ये वृक्ष सबके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है कम से कम 2 वृक्ष आज जीवन में लगाना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए ताकि अपने लिए कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सके और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के खतरे को देखते हुए हमें जो है पर्यावरण जल संरक्षण का करने का संकल्प लेना होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।